अच्छी लगी मुझे या फिल्म में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? मुझे उसके डायलॉग्स अच्छे लगे, छोटे छोटे जो पंचेस थे और लाइट हार्टेड स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। गाने कितने पसंद आए इसमें? गाने मुझे ठीक ठीक लगे, फिल्म बहुत अच्छी लगी। आयुष्मान और नुसरत की केमिस्ट्री अच्छी है। Spotify कितने साल हुए? सॉरी, Spotify कितने साल? 3.5 to 4। मूवी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छी कॉमेडी है और मज़ा आ गया। इसके डायलॉग्स के बारे में? डायलॉग वन लाइनर पंच और सिचुएशन कॉमेडी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। आयुष्मान, अनु कपूर और नुसरत जैसे कलाकार हैं, इसमें उनकी एक्टिंग कैसी लगी? एक्चुअली इस फिल्म में जो भी कलाकार है, एक छोटा सा छोटा रोल जिसका भी है, सब ने बहुत ही बढ़िया अपने काम को किया है, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर ने सबसे काम निकलवाया है और सबका काम बहुत अच्छा है। जिस तरीके के इसके गाने इतने फेमस हो चुके हैं, और सारे गाने के बारे में आपकी क्या? दिल का टेलीफोन बहुत अच्छा गाना मुझे लगा और राधे राधे मेरा फेवरेट गाना है। बाकी गाने भी ठीक हैं, मतलब अच्छे गाने हैं। फिल्म में काफ़ी सारे बेस्ट पॉइंट हैं, तो एक्चुअली मैं बताऊंगा तो फिल्म लोगों को पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग आइए, फिल्म देखिए और फिल्म को अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए और फैमिली के साथ इस फिल्म को देखें तो बेहतर रहेगा। फिल्म सिर्फ एंटरटेन कर रही है या फिर मैसेज भी दे रही है? नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा एक साइलेंट मैसेज है जो हर कोई देखने वाला रिलेट करेगा, जो आजकल एक कॉमन सी हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। बट मैं मैसेज बताना नहीं चाहूँगा, एक्चुअली आप लोग देखिए तो आपको मैसेज का आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल मूवी ब्लॉकबस्टर है, ये फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी और ये सुपरहिट फिल्म है और डायरेक्टर के लिए एक्टर के लिए बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। आउट ऑफ 5 4.5। मूवी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी। क्या सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? कॉमेडी, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, सब। गाने पसंद आए इस मूवी के? हाँ, गाने भी अच्छे थे। सबसे अच्छी एक्टिंग किसके लिए? आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान। अच्छा, बेस्ट कॉमेडी पार्ट किसके लिए अच्छा? आयुष्मान के ही थे, आयुष्मान के ही थे सब। आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? आउट ऑफ 4। सर, आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एंटरटेनिंग। बहुत टाइम के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली, अच्छी लगी। स्टोरी पसंद आई इस मूवी? बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, खास करके पूजा का जो रोल है वो। आयुष्मान खुराना एक्सलेंट, आयुष्मान ने, बाकी सब भी अच्छे हैं। सर, आयुष्मान ने इसमें फीमेल वॉइस भी इस बार दी है, खुद की वॉइस है फीमेल वॉइस, उसके बारे में कितना जस्टिस कर पाया उसने अपनी फीमेल वॉइस के? वो 100% जस्टिस कर पाया है फीमेल वॉइस। सॉन्ग्स किस तरीके के अच्छे कैसे लगे? सॉन्ग अच्छे हैं, राधे राधे गाना है, बहुत अच्छा है। डायलॉग्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डायलॉग भी अच्छा है, अच्छे डायलॉग है। अच्छा, अनिल कपूर का काम भी बहुत अच्छा है। और ये फिल्म एंटरटेनिंग लगी या फिर और कुछ मैसेज भी दे रही है? ये मस्ट वॉच है फिल्म, जो अकेले जो लोग अकेले रहते हैं उसको, उसके लिए टेंशन जो रहता है सब, इससे टेंशन दूर हो जाता है। मुझे हर एक की लाइफ में होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है ये फिल्म सुपर हिट होगी? कोई नहीं। आउट ऑफ 5 स्टार कितने? 5। सर, मूवी आपने देखी? सर, आपको मूवी कैसी लगी? ड्रीम गर्ल इज बेसिकली इंटरटेनिंग फिल्म और देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पंच लाइंस है फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर है ना, आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल बनती है, लड़कियों की आवाज़ निकाल कर लोगों की तन्हाई को दूर करती है फ़ोन कॉल्स पे, तो बहुत अच्छा फिल्म है, इंटरटेनिंग है, पंच लाइंस बहुत अच्छे हैं, विजय राज निधि बिस्ट का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लूप होल्स भी है। ज़्यादातर जो हमारी जो फिल्में होती हैं हिंदी फिल्में, उसमें रिलीजियस एंगल भी डाल दिए जाते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ दिखाया गया है, कॉमेडी जॉनरा में, ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते इस चीज़ों को भी, मज़ा आएगा ये सब देखने में, लेकिन ज़्यादातर जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं उसमें रिलीजियस एंगल अगर डाल देते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म हो जाती है। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग फिल्म है। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, कॉमेडी जॉनरा की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे वो कलाकार हैं, तो उनका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा। सिनेमेटोग्राफी खास तौर पर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब इस तरह की जो लो बजट की फिल्में होती है या फिर आप देखोगे कॉमेडी जॉनरा की जो फिल्में होती है, इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इस फिल्म में है। कॉस्ट्यूम देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए, बहुत अच्छा है मूवी में। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग आप देख लीजिए, फिल्म का जो मैसेज है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी भीड़ भाड़ है फिर भी हम अकेले होते हैं, तो हर किसी को एक ट्रू कंपेनियन की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए,
माता पिता के रूप में भी, भाई बहन के रूप में भी, तो इस तरह का मैसेज दिया गया है, बहुत ही अच्छा है और रिलेटेबल है, कनेक्टिंग टॉपिक है। फिल्म के गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, सारे हिट हो चुके हैं, आपको कौन सा पसंद? ड्रीम गर्ल, जो मुझे याद नहीं आ रहा, तो आयुष्मान खुराना का जो ड्रीम गर्ल का जो सॉन्ग है ना, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लाइक इट। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, लेकिन डिसअपॉइंट इस बात से हो कि फिल्म में रिलीजियस एंगल डाल दिए जाते हैं, अच्छी बात है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ये फिल्म एंटरटेनिंग नहीं लगी या फिर कोई मैसेज? एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है, मैसेज भी है, और जितने भी लोग हैं, आम जनता, जो कनेक्टिंग टॉपिक होता है उसे आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप सभी, हर कोई अकेले है ना, ठीक है, अकेला इस दुनिया में आया, अकेला इस दुनिया में जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, हमारे इमोशंस को, हमारी क्या तकलीफें होती है, कोई सुनने वाला होना चाहिए, तो इस फिल्म में दिखाया गया। 2.5 स्टार्स। थैंक यू। सर, आपको मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये फैमिली इंटरटेनर है, और मैं यही कहूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो मूवी को। स्टोरी पसंद आई इस मूवी? बहुत ही अच्छी है स्टोरी, और आयुष्मान सर का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही अच्छी डायलॉग है, अच्छी मूवी है और एक्टिंग तो ज़बरदस्त है। सबके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, वेरी गुड। और डायरेक्शन कितना पसंद आया? डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, फर्स्ट मूवी है इनकी। हाँ, और बढ़िया है, बढ़िया सब कुछ है। अच्छा, गाने भी अच्छे हैं, गाने अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे हैं। टेलीफोन, दिल का टेलीफोन। मुझे तो फुल एंजॉय मैंने किया, और आप भी इंजॉय करो, बहुत ही अच्छी मूवी है। 4